कि जिस प्रकार आसाम के मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता को यहाँ चुनाव का सह प्रभारी बनाया गया, उनकी भी भाषा आप लोग देखे तो वो भाषा में केवल उन्माद ही नजर आता है। यही हाल भाजपा के कार्यकर्ताओं का, अपने ही नेताओं को गाली गलौज करना, मारपीट करना। आप देख रहे हैं केवल सच। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता श्री सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस को संबोधित किया। उन्होंने विपक्ष पार्टी के द्वारा बर्ताव को लेकर कही बातें और भी क्या कुछ बातें सुप्रियो भट्टाचार्य ने कही, आइए सुनते हैं। आज आप लोग को इसलिए बुलाना पड़ा कि हम लोग के राज्य में अब तो रक्षा मंत्री का भी एक पद मिला है और अब कहीं ज्यादा उनका दायित्व भी बढ़ गया है कि राज्य में भाजपा नेता विधायकों का रक्षा का भी एक सवाल उठ गया। आए दिन हम लोग अभी देख रहे हैं जहां जहां समीक्षा बैठक हो रही है भारतीय जनता पार्टी का, वहां वहां इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो रही है कि कानून व्यवस्था भी अब उसमें एक बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो गया। जो मीडिया में जो रिपोर्टें आई, चाहे वो दुमका का हो या देवघर का, ये बड़ा विभत्स रूप लिया है। देवघर के माननीय विधायक के साथ भाजपा के ही जो आपराधिक किस्म के लोग हैं, जो सांसद से सीधे तौर पर जुड़ाव रखते हैं और उन्हीं के संपोषित भी हैं, उन लोगों ने जिस प्रकार से गाली गलौज की, मारपीट करने का काम किया, दुमका में जो बातें सामने आई, यह साफ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी का आज का चरित्र और चेहरा क्या है। अब वो भाजपा नहीं रही और इसका सीधा असर केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय पर भी दिखा कि जिस प्रकार आसाम के मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता को यहाँ चुनाव का सह प्रभारी बनाया गया, उनकी भी भाषा आप लोग देखे तो वो भाषा में केवल उन्माद ही नजर आता है। यही हाल भाजपा के कार्यकर्ताओं का, अपने ही नेताओं को गाली गलौज करना, मारपीट करना। जो यहां से पदाधिकारी जाते हैं उनके साथ में धक्का मुक्की करना, हमको लगता है कि एक विचित्र स्थिति बन गई। हम लोग चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का चुनाव हमारे विपक्ष में लड़े, लेकिन अब आपस में ही लड़ रहे, ये अजीब विडंबना। एक तरफ आप प्रभारी भारी भरकम नाम वाले को भेजते हैं, कार्यकर्ता लुप्तम जूता करते रहते हैं, ये कौन सा तरीका है? और बाबूलाल जी प्रदेश के अध्यक्ष, हर समीक्षा बैठक में वो क्यों नहीं पहुंच रहे? दुमका में तो बातें आई कि दुमका का चुनाव प्रधानमंत्री जी ने हारने का काम किया। उन्होंने स्पष्ट तौर पर पत्रकारों को कहा कि यहां मैं नहीं हारी हूं, यहां मोदी जी हारे हैं। अब जब भाजपा के ही लोग इस बात को कह रहे हैं कि मोदी जी की हार हुई, जीते हुए सीट में भी उनके विधायक सुरक्षित नहीं है, तो राजनीति किस रसातल में जा रहा है, इसी चिंता से आज हम लोग आपको अवगत करा रहे। अब राज्य सरकार ने जिस प्रकार से काम शुरू किया आचार संहिता के बाद, उनसे कैसे ध्यान भटकाया जाए?
लोगों को उनके जरूरत के हिसाब से जो चीजें करनी चाहिए उस पर कोई बात नहीं, और कम से कम समीक्षा बैठक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जब आप बुलाते हैं तो उनको प्रशिक्षित भी कीजिए। ये कौन सा तरीका है कि यहां से जो प्रभारी जाते हैं उनको धक्का दे के भगाया जाता है, और बड़ा शुचिता की बात होती है। इन तत्वों की पहचान कौन करेगा? बिहार से आकर लगातार चौथी बार जीतते हैं नीतीश गांधी, और झारखंड के मूलवासियों को पीटने का काम कर रहे हैं। भागलपुर से गुंडे भेजे जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से गुंडे मंगवाए जा रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उनके जो दलित विधायक नारायण दास जी, उन्होंने कहा तो भारतीय जनता पार्टी को उसके प्रदेश के नेताओं को इस राज्य के जनता से माफी मांगनी चाहिए। ये परिपाटी सही नहीं है, इससे राजनीतिक माहौल खराब होगा, और जब चुनाव में कार्यकर्ता आपस में जब संवाद करेंगे उस समय भी इस तरह का हिंसक रूप होगा भाजपा का। संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में संथाल परगना के जो दुमका, हमको नहीं मालूम है कि राजमार्ग का समीक्षा होगा भी या नहीं होगा, होगा तो वहां कौन पिटाएगा? कहीं अगले निशाने पे अनंत ओझा तो नहीं? ये बड़ा, क्योंकि सभी हमारे मित्र हैं इसलिए मैं चिंतित। अब बताइए, आदित्य साहू जी यहां से गए, उनको धक्का दे दिया, माननीय सांसद है, बालमुकुंद भाई गए गढ़वा से, उनको गाली गलौज कर दिया। अब यहां से कोई जाएगा राजमहल का समीक्षा में, मालूम चला गाड़ी से गया, उधर से एम्बुलेंस से आया। को भी सूचित करके भाजपा को अपना समीक्षा बैठक रखनी चाहिए, नहीं तो फिर से ये लोग सवाल उठाएंगे कि हमको सुरक्षा नहीं मिलता। और नारायण दास जी को पूरे घटनाक्रम को विधानसभा के अध्यक्ष को जानकारी में देनी चाहिए, उनके संज्ञान में लाना चाहिए, क्योंकि वो उनके अभिभावक है। और हम लोग माननीय अध्यक्ष से यह अपेक्षा रखते हैं कि भाजपा के जनप्रतिनिधियों को, विधायकों को, आप यह सुनिश्चित करें कि उनको उनके जो गुंडे कार्यकर्ता है उनसे बचाएं। आज इतना ही कहना था, कोई आप लोग के प्रश्न होंगे तो बताएं।